भारत सरकार कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। किसानों को रियायती दर पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है। ये ड्रोन किसानों के मित्र बनकर कीटनाशक का छिड़काव और फसल की रखवाली करेंगे। किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में खेती बाड़ी के क्षेत्र में श्रमिकों की कमी और खेती के प्रति घटते रुझान की वजह से एग्री सेक्टर में बदलाव आया है। पहले जहां किसानों को फसलों की बुवाई और कटाई में कई दिन लग जाते थे, आज एग्री मशीनों के इस्तेमाल से ये काम बहुत आसानी से कम समय में पूरा हो जाता है। इससे किसानों की लागत और मेहनत दोनों कम हो जाती है। इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता और किसानों की आमदनी दोनों बढ़ जाती है। सर, जहाँ तक तकनीकी के मामले में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है तकनीकी मामले में, इस तरह कृषि में भी काफ़ी आगे बढ़ा है, मशीनों का यूज़ बढ़ा है। और हमारे सबसे लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में आया है, वो ड्रोन के माध्यम से खेती में सहयोग का मामला आया है, जिसमें हमारे जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र में एक ड्रोन गत वर्ष दिया गया था, जिसका प्रशिक्षण जो कि सरकार द्वारा 100% छूट पर दिया गया था KVK को। जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए किसानों को उसकी तकनीकी जानकारी देने के लिए और उसको किया गया। और इस वर्ष सरकारी छूट के माध्यम से एक और हमारे पास ड्रोन किसानों को दिया जाने के लिए आया था। कुछ जनपदों में FPO को, कुछ जनपदों में एग्री जंक्शन को इसकी लिए अधिकृत किया गया था, तो इसकी लाइसेंसिंग भी होनी है। बीते कुछ वर्षों में खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें खेती में तकनीक के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा दे रही हैं, ताकि बेहतर उपज के साथ किसानों के आय में बढ़ोतरी हो सके, जिसको लेकर आगरा जनपद में भी अब किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब कृषि उप निदेशक कार्यालय की ओर से किसानों को सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, ड्रोन से भी प्रारंभिक कार्य जो किसान भाई वो तत्काल ले सकते हैं, वो दवाओं में विभिन्न प्रकार के जो है, इसके लिए इंसेक्टीसाइड को छोड़ करके बाकी हमारे जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, या कोई भी हमारी दवा है या कोई लिक्विड में फर्टिलाइजर है, इसका छिड़काव किसान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उसके माध्यम से। हालांकि ड्रोन में अधिक और संभावनाएँ भी हैं। उसका उपयोग उर्वरक के छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है और ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी किसी भी खेत में उसके उपयोग किया जा सकता है, और जिसके लिए अलग से अटैचमेंट उसमें लगाने पड़ते हैं। ड्रोन का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि बड़े एरिया में भी आसानी और सुरक्षित तरीके से कुछ ही मिनटों में जरूरी आदानों का इससे छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। सर, एक ड्रोन जो है, मूल ड्रोन की कीमत 6 से 7 लाख 8 लाख तक आती है, साथ में उसके अटैचमेंट्स भी होते हैं, और जो अटैचमेंट उसके लिए स्प्रेइंग के लिए अलग अटैचमेंट होता है, स्प्रेइंग के लिए अलग होता है। एक ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की कीमत 10 से 11 लाख 12 लाख तक जा रही है। सर, अटैचमेंट बढ़ाते जाएंगे, कीमत बढ़ती जाएगी। एक बैटरी सेट भी उसके साथ में आता है, उसकी भी कीमत होती है। तो इस तरह से जो किसान को सहयोग कहते हैं कि 2-3 बैटरी सेट जरूर ले। सर, वो ड्रोन की अलग अलग क्षमताओं पर होता है। जनरली हमारा जो ड्रोन है 10 लीटर कैपेसिटी या 5 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। सरकार ने देश के किसानों को एग्री ड्रोन खरीदने के लिए किसान ड्रोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।